हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निर्मल स्वैज किचन में। मैं आपकी कुकिंग पार्टनर रिचा। आज हम बनाने जा रहे हैं चमनप्रास कैंडी। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। जो लोग मार्केट का बना हुआ चमनप्रास नहीं खाते हैं, वो अपने घर में इजीली चमनप्रास कैंडी बनाकर तैयार कर सकते हैं। चमनप्रास कैंडी बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं, इनमें से हम ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को मिक्सी के जार में डालकर एक फाइन पाउडर बना लेंगे। ये हमने यहाँ पर जायफल लिया है। जायफल को हम डायरेक्ट इसमें ऐसे नहीं डालेंगे, बल्कि हल्का सा इसको चॉप कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है। ये चमनप्रास कैंडी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। बच्चे और बड़े सभी इसको खा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा फाइन पाउडर बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे। बचे हुए दरदरे सामान को भी वापस मिक्सी के जार में डालकर हम पीस लेंगे। अब यहाँ पर जो बाकी बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं, आंवला, मुनक्का, कच्ची हल्दी, अदरक, गुड़ को हमने इसमें ऐड नहीं करना है। अब हम इसका एक बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। जिस पानी में हमने आंवलों को बॉईल किया था, मैंने वो पानी इसमें डाला है। अगर आपके पास वो पानी नहीं है, तब आप इसमें नॉर्मल पानी का यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल फाइन और बारीक पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। चमनप्रास बनाने के लिए हमने मसाला और पेस्ट दोनों ही तैयार कर लिए हैं। अब दूसरी ओर हम गैस पर कढ़ाई को रख देंगे। अगर आपके पास कोई लोहे की कढ़ाई है, तब आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। फ्लेम को हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले हमने जो पेस्ट बनाकर तैयार किया है, वो कढ़ाई में डालेंगे। साथ में हमने जो गुड़ लिया, उसको हमने बारीक कर लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने जो ड्राई पाउडर बनाकर रखा था, वो भी हमने सेम स्टेज पर इसमें ऐड कर देना है। फ्लेम को हम मीडियम टू लो ही रखना है। अब हम इसमें आधा चम्मच काला नमक और डालेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये जैसे जैसे पकता रहेगा, इसका कलर चेंज होता जाएगा। आप देख सकते हैं अब ये एक लिक्विड फॉर्म में आ गया है। इस स्टेप पर हमने इसको कंटिन्यू चलाना है। जैसे जैसे हम इसको चलाते रहेंगे और ये पकता रहेगा, तो ये काफ़ी ठीक हो जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर हमने इसको लगातार चलाते रहना है। फ्लेम को हम अपनी बिल्कुल लो कर लेंगे और कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे, वरना ये कढ़ाई में लगकर जल जाएगा और इसमें स्मेल आ जाएगी। आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक हो गया है। अब हम स्पून की हेल्प से इस प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा थक्के के रूप में गिर रहा है। सेम स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ढककर रख देंगे। करीब 10 से 15 मिनट के बाद, जब ये हल्का गुनगुना रह जाएगा, तब हम इसकी कैंडी बनाकर तैयार करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसकी कैंडी बना लेते हैं। कैंडी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल में मिश्री को बारीक मिक्सी के जार में पीस लिया है और इसका फाइन पाउडर बना लिया है। इस प्रकार से हमने दोनों हाथों के बीच में ऑयल लगा लिया है। अब हम अपनी कैंडी को गोल गोल हथेली के बीच में रखकर बनाते जाएंगे और इस मिश्री के पाउडर में डालते जाएंगे। कैंडी को बनाने के बाद हम इसको एक घंटे के लिए ऐसे ही रखकर छोड़ देंगे। एक घंटे के बाद हम इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं और सर्दियों के मौसम में करीब 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंडी बनाने के लिए अगर हम फ्रेश अदरक और करी पत्ते का यूज़ कर रहे हैं, तब हम उसको पेस्ट में डालकर पीस लेंगे। पानी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डालेंगे। कैंडी बनाना बहुत ईजी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं,
तब आप बिल्कुल परफेक्ट कैंडी अपने घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कैंडी को अपने घर में बनाएं, एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।